तो भाई ये हमारी कसी है। इसी हम घर से बाहर निकलते हैं और कसी का मतलब भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं और अंधेरा होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े फल फूल होते हैं, जैसे हाँ बड़े फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे कि खुबानियाँ होती हैं, आड़ू होते हैं, तो और भी बहुत सारे किस्म के होते हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ कसी में डर लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे किस्म के सांप भी होते हैं, अच्छे अच्छे किस्म के परिंदे भी दिखने को मिल जाते हैं बट सांप भी होते हैं। हाँ तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यार दिन के 12 बज रहे और हमने भाई नाश्ता वाश्ता कर लिया है, काफ़ी लेट किया क्योंकि रात को यार टेंकी से आए थे, उसका भी आपने ब्लॉग देखा होगा। बट अभी सीन ये है कि यार मेरे साथ मेरे फहीम भाई है, छोटे मेरे कज़न हामिद है और मेरे साथ अयान है, और अभी हम कठे जा रहे हैं। तो कठे का मतलब आप इससे सुन लें। कठे का मतलब है रिवर, एक तरह से जो पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता है और वो एक जगह पर जमा होता है और वहाँ जाके हम नहाते हैं और वो हम आपको बताते हैं। चलो चलो भाई यहाँ से सब निकल गए हैं तो हम भी यही रास्ता प्रेफर कर लेते हैं। भाई देखो ये हमारे कठे के रास्ते में ये हमारे शहर की ये मस्जिद आती है और इस तरफ नीचे हमारी ये दुकानें वगैरह आती हैं जहाँ से छोटा मोटा बच्चे चीज़ वगैरह ले लेते हैं अपनी। ये वो दुकानें जिनकी मैं बात कर रहा था। हाँ तो भाई हम आपको कू की भी डिटेल्स बताते हैं जो हमारे कठे के रास्ते में आते हैं, ये भी हमारे छोटे कज़न आपको गाइड करेंगे। ये कठे के रास्ते में जाते वक्त ये कू आता है, ये बिल्कुल साफ पानी है, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, बहुत पुरानी जगह, हमारे घरों में पानी यहीं से जाते हैं। देखें मैं आपको पी के भी बता देता हूँ, ऐसा पानी भाई कराची में तो नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता है। देखो भाई हमारा वो कठा है, इसके हम ड्रोन शॉट्स वगैरह दिखाएंगे और अभी हम यहाँ से आपको रास्ता दिखाते कितना मुश्किल है। गाँव सब बोलते बड़ा आसान है बट है बहुत मुश्किल रास्ते, एक तरीके से क्लाइंबिंग वगैरह करना। ये देख पकड़ पकड़ के उतरना पड़ता है और एक गलत स्टेप पर गए हम। सबसे मुश्किल बात है कि सांप वांप होते हैं तो इसलिए हमें वो भी देख देख के जाना पड़ता है। हाँ तो भाई हम कठों से फारिग हो गए नहावा के, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, फिर आगे का सीन आपको बताते हैं। हाँ तो भाई खाना वाना खा लिया और अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो गए हैं तो अभी हम जा रहे हैं पुल की तरफ दोबारा, और अभी हमारे साथ हमारे कज़न है अकील भाई, ये हमें बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आज, अभी का क्या प्लान है? अभी का जायद भाई हम खड़ियाला जाएंगे, खड़ियाला से 2-3 बकरे ख़रीदेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद कल चलेंगे सीरी ज़ियारत पे, वहाँ उनको काटेंगे। मज़ार है सीरी ज़ियारत, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, तो इंशाल्लाह फिर आगे आपको बताते हैं। और जो नहीं देखेंगे उनके लिए ड्रोन शॉट, उनके लिए ड्रोन शॉट भी हमारे पास। ये बस अभी कल की पिकनिक का आप वेट करें बस। हाँ तो भाई हम पुल पहुंच गए हैं और पुल की डिटेल्स आप हमारे भाई से पूछें। ये हमारा पुल है, बांडी का पुल है, और ये हमारा मरकज़ भी है, हमारे यहाँ दुकानें बहुत कम हैं तो ये हमारा एक मरकज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जाहिद भाई दिखाने इनको दुकानें, ये हमारे पीछे दुकान है, ये दुकानें और यहाँ पे पीछे मुर्गी वगैरह की दुकानें भी हैं, और ये पुल के नीचे से भाई पानी भी जाता है, हमारे कठे वगैरह यहीं से आगे जा रहे होते हैं, और ये हमारे मुसाफिरों के लिए मस्जिद बनी है, बहुत खूबसूरत, यहाँ सब कुछ अपनी मदद आप किया जाता है।
और यहाँ से काला पत्थर निकाला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही कीमती है। देखो भाई, हमारे गांव में चीड़ों के दरख्त होते हैं जिसमें चिलगोजे ग्रो करते हैं और हवा की वजह से नीचे बहुत गिरे हुए होते हैं, तो चलते हुए शख्स के लिए भी नेमत ही नेमत है। और दूसरी बात मैं बताना भूल गया कि यार, बकरे हमें नहीं मिले क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, छोटे छोटे बकरों की बहुत ज़्यादा हाई थी, तो ईद की वजह से शायद आए हैं, पता नहीं किस वजह से, बट ऐसा लग रहा है कि यार हम बैल लेने जा रहे हैं। हमें तो यार एक तरीके से ऊपर ज़ियारत पे जाना है, तो आपको पता है एक ट्रेडिशन होता है वहाँ पे, बंदा ऊपर जाता है और भाई काटता है और वहाँ पे मतलब सब मिलके खाते हैं और एक टूर टाइप का हो जाता है, एक अच्छा एडवेंचर हो जाता है, वो आप कल की वीडियो में देखेंगे। बट यस, अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, अभी कोशिश हमारी जारी है, हिम्मत नहीं आ रहा है अभी तक।